ठीक है भाई, ठीक है। चार्जर भी दूंगा भाई। ओ संजय भाई पीछे आ ना, संजय थोड़ा पीछे, संजय भाई पीछे। म्यूजिक वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड आदि शक्ति ऑडियो ने रिलीज किया है, तो रत्नाकर जी से मैं आग्रह करता हूँ कि फिल्म के अभिनेत्री को सम्मानित करें। थैंक यू। देखिए निरहुआ चलल ससुराल पार्ट वन को लोगों ने बहुत पसंद किया था। उसके बाद अभी नासिर जमाल जी ने पार्ट टू बनाया, निरहुआ चलल ससुराल पार्ट टू, और बहुत अच्छे गाने बने हैं इसके। आज इसकी म्यूज़िक रिलीज किया जा रहा है, इसका म्यूज़िक रिलीज़ हो रहा है, और जिसका बहुत बेसब्री से हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, इंतज़ार कर रहे थे। तो अब ये उनको सुनने के लिए मार्केट में भेजा जा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ही सफल रहेगा, क्योंकि इतने अच्छे गाने बनाए हैं ओम झा जी ने कि सुन के लोगों को मज़ा आ जाएगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। आपके नाम के ऊपर बहुत ही रियल फिल्में बनती हैं, कुछ ना कुछ खास रहता है आपके रियल लाइफ से, कुछ जुड़ा रहेगा? उसका रीज़न ये है कि एल्बम से ही मुझे पहचान मिली और एल्बम से ही ये नाम मिला निरहुआ, तो वो नाम लोगों को इतना भा गया, लोगों ने ही वो नाम दे दिया मुझे। मेरा नाम तो दिनेश लाल यादव है, पर इस एल्बम के रिलीज होने के बाद लोग मुझे निरहुआ कह के ही बुलाने लगे, तो उस नाम से जो दर्शकों का दिया हुआ नाम है, उस नाम से जो भी फिल्में बनती हैं उसको बहुत प्यार देते हैं, बहुत सफल बनाते हैं। तो शायद यही कारण है कि हमारे जो निर्माता हैं कोशिश करते हैं कि इस नाम पे ही ज़्यादातर फिल्में बनाते हैं। जी, उसके बारे में कौन कौन है? बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है निरहुआ चलल ससुराल पार्ट टू। इसमें हमारे सुशील भैया हैं, अवधेश मिश्रा हैं, आम्रपाली दुबे इस फिल्म की हीरोइन हैं, माया यादव जी हैं, उसके बाद किरण यादव जी हैं, गोपाल राय जी हैं, और इस फिल्म को हमारे जो बहुत करीबी मित्र हैं नासिर जमाल जी ने बनाया है, वो निर्माता हैं इसके। और 2007 में जब निरहुआ सटल रहे, एल्बम धूम मचा रहा था, उस समय इनके साथ मैंने एक फिल्म की थी कैसे कहीं तोहरा से प्यार हो गई,
उसके बाद भी कई फिल्में हम लोगों ने साथ में किया। अब जो है इस साल इन्होंने डिसाइड किया कि हम ससुराल पार्ट टू बनाएंगे और ये बन के तैयार हुई है फिल्म। सर, जो पहले आपकी शुरुआत थी, पोस्टर काफी बोल्ड दिखाया गया है, उस फिल्म आपकी शुरुआत थी? निरहुआ सटल रहे, एक बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। 2003 में ये एल्बम आया था और तब से लेके आज तक कई बार उस पर प्रयास हुआ कि इस पर फिल्म बनाई जाए, पर कोई ऐसी कहानी नहीं मिली कि उस पर फिल्म बनाया जा सके। पर अब जो कहानी मिली है वो उस टाइटल को सार्थक बनाएगा, उस टाइटल को बताएगा कि हाँ सच में किसी व्यक्ति की औरत अगर बीमार है, वो चाहे कोई भी वजह से, तो एक पति का क्या धर्म होता है, क्या कर्तव्य होता है, किस तरह से उसको वो ठीक होने में मदद करता है और कैसे उस बीच जो घटनाएं होती हैं, क्योंकि बीबी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, ऐसे में वो कैसे उसको ठीक करने में मदद करता है, तो ऐसी ऐसी उसमें रोचक घटनाएं आती हैं जिसे देख के लोगों को बहुत मज़ा आएगा और फुल इंटरटेनिंग फिल्म होगी ये निरहुआ सटल रहे। सर, जहाँ तक आप भोजपुरी की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, आप भोजपुर में सुपरस्टार कहे जाते हैं आज की डेट में, अभी बॉलीवुड में एक चलन बन गया है कि बायोपिक बन रही है सचिन के ऊपर या अजय के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे, धोनी के ऊपर? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर कहीं पहुंचता है तो उसके जो संघर्ष के काल होते हैं, जो संघर्ष की उसकी कहानी होती है, वो लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित करती है और उसे बना करके लोगों को ये बताया जाता है कि अगर ये व्यक्ति जिसको आप इस रूप में जानते हैं कि ये हैं हमारे, ये दिग्गज हैं, पर उन्होंने कहाँ से शुरू किया, उन्होंने जो जर्नी शुरुआत की, क्या क्या संघर्ष करना पड़ा उनको, कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या क्या घटनाएँ हुई जीवन में, वो जानने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जाती है। तो निश्चित रूप से आज बॉलीवुड में बन रही है, आने वाले कल में हम उम्मीद करते हैं कि भोजपुरी में भी बनेगी। क्या आपके ऊपर अगर बनाई जाए तो आप इंटरेस्टेड रहेंगे इसके लिए? 100% स्ट्रगल करके पहुंचे हैं। जी जी, केसरी लाल हैं आप हैं? हाँ बिल्कुल, जो भी हमारे भोजपुरी सिनेमा में मैं सबको जानता हूँ, हमारे रवि भैया से लेके, मनोज भैया से लेके, खेसारी जी, पवन जी, ये सभी लोग किसान के बेटे हैं, गांव में खेती बाड़ी से शुरुआत करके और धीरे 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 स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचे हैं, आज भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार सभी बने हैं। तो निश्चित रूप से इस पे कोई भी अगर ऐसा कदम उठाते हैं, कोई बनाते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे उस पे। रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है सर? अभी निरहुआ चलल ससुराल पार्ट टू रिलीज के लिए तैयार है, बम बम बोल रहा है काशी, प्रियंका चोपड़ा जी ने जो बनाया वो भी तैयार है रिलीज के लिए। उसके बाद मेरी होम प्रोडक्शन की फिल्म राम लखन अभी हम लोगों ने शूट करके कंप्लीट किया है और हम लोग एक दो दिन बाद जा रहे हैं वाराणसी फिल्म बेटा के शूटिंग के लिए। तो ये सब है अभी के प्रोजेक्ट। थैंक यू। ठीक है, दिनेश जी आप इधर आइए। नहीं, अभी नासिर भाई प्रोड्यूसर हैं, हम तो सीधे कश्मीर, जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं इनके मुहूर्त अटेंड करने के लिए। एज ए गेस्ट मैं आया हूँ, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं कि मैं इस फिल्म में हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि निरहुआ जी बहुत हिट पे हिट फिल्में देते जा रहे हैं और इनकी अच्छी केमिस्ट्री है नासिर भाई के साथ। नासिर भाई इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, मोहसिन खान जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और उनके साथ में हमारे बेटे फैयाज अली खान हैं। तो मुझे उम्मीद है कि फिल्म अच्छी बनेगी और अच्छा काम करें निरहुआ जी, तो सुपर सुपर डुपर एज ए हीरो स्टार रह चुके हैं और इस फिल्म में भी अच्छा काम करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद नासिर जमाल है, मैं अभी हैदराबाद से हूँ, बेसिकली यूपी से हूँ मैं, बट मेरे को 25 साल हैदराबाद में हो गए। तो ये मूवी एक्शन है, रोमांटिक है, कॉमेडी है, इसमें हम सब कुछ भरपूर मसाला डाले हैं और बहुत अच्छी मूवी बनाए हैं। कोशिश करेंगे इसके बाद जो मूवी कर रहे हैं और अच्छी बने, और मैं अभी तक जितनी मूवी बनाया हूँ सब हमारी मूवी आप देखे होंगे कि सब बहुत अच्छी मूवी है और सभी जानते हैं कि हम किस तरह की मूवी बनाते हैं।
अभी निरुआ ने बोला आपने ब्रेक दिया निरुआ को, ये सटल निरुआ सटल रहे की बात करें तो काफी हिट रही है, तो उसके बारे में दिनेश जो खुद एक स्टार है हम उनको क्या ब्रेक देंगे, बहुत अच्छे आदमी हमारे, बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे हमारे एक्टर हैं। मैंने बोला म्यूजिकल है और एक्शन है, स्टोरी है, इसमें सब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ना हो। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मुस्कान मूवीज़ को, नासिर जमाल जी को और भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार निरहुआ और उनके साथ अमरपाली जी को कि आज उनकी एक फिल्म का म्यूजिक भी रिलीज हो रहा है और दूसरी फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हम लोग तो बॉलीवुड से टाले को रखते हैं लेकिन एक ही नाम हम लोगों के जहन में आता है जब भोजपुरी फिल्मों का नाम लिया जाता है, तो वो है निरहुआ। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे ही बड़े भाई नासिर जमाल, इनकी फिल्म का मुहूर्त था, तो मैंने सोचा कि आज पर्सनली हम लोग विजिट करते हैं और पर्सनली निरहुआ जी को और अमरपाली जी को सबको शुभकामनाएं देते हैं और देखते हैं कि भोजपुरी का स्टारडम क्या है। तो यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी काफ़ी खुशी हुई, तो मेरे तरफ से बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। जी मैं नासिर जमाल जी की पिछली दो फिल्में कर चुका हूँ, निरहुआ चले ससुराल पार्ट टू और जांबाज जिगरवाला, आज तीसरी फिल्म का मुहूर्त है, उम्मीद है मैं इसमें रहूँगा। दो फिल्मों के बारे में पिछली इनके ये कहना चाहूँगा कि बड़े कमाल के प्रोड्यूसर हैं यार, वाकई मतलब गिने चुने लोग हैं जिसमें से नासिर भाई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। आपका नाम? ओम झा। इस फिल्म का म्यूजिक किस तरह? ससुराल की बात कर रहे हैं निरहुआ चला ससुराल की म्यूजिक तो बहुत अच्छी बनी है जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने बहुत कोशिश की है, दिनेश जी के साथ मेरी ये पहली फिल्म है और मैंने अपनी पूरी कोशिश रखी और बहुत अच्छा होगा, आप सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सिंगर कितने हैं? सिंगर दिनेश जी खुद एक अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने गाया है, कल्पना जी ने गाया है सबका, और कुछ गाने मैंने भी गाए हैं इसमें मिला जुला के, बहुत अच्छा एल्बम हो गया है अभी। हेलो, मेरा नाम काया शर्मा है और इस फिल्म के बारे में तो दिनेश जी का बहुत, जो भी फिल्में होता है मैं सब फिल्म देखती हूँ, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और ये फिल्म आई थिंक बहुत अच्छा बना होगा क्योंकि मैं अभी शूट पे तो थी नहीं लेकिन देख के तो ऐसा लग रहा है, इनकी जितने भी गाने होते हैं, फिल्म होता है, मैं सब देखती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होता है और बस आप यहाँ पे उनके फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, फिल्म का नाम निरहुआ चले ससुराल और सब लोग यहाँ पे उसका मुहूर्त हो रहा है तो सब लोग जुटे हुए हैं, पूरे भोजपुरी के इंडस्ट्री के लोग हैं और मैं भी यहाँ आई हूँ, तो मैं तो यही बोलूँगी कि उनकी जो भी फिल्में हैं हमेशा से सुपर डुपर हिट रही है और ये भी फिल्म सुपर डुपर हिट जाए और बस जैसे आप लोग अमरपाली जी के लिए और दिनेश जी के लिए प्यार बनाए हैं वैसे सब लोग प्यार बनाइए और उनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे और जो भी फिल्म आए सुपर डुपर हिट जाए। थैंक यू। आज निरहुआ चला ससुराल पार्ट टू का म्यूज़िक लॉन्च है और ये फिल्म बन के कम्प्लीट हो चुकी है, तो इस फिल्म के बारे में तो बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि इट्स अ सुपर फिल्म, इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म, आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और इस फिल्म के गाने जितने अच्छे बने हैं उतने ही अच्छे शूट भी हुए हैं थैंक्स टू आवर म्यूज़िक डायरेक्टर्स एंड कोरियोग्राफर्स, तो ये फिल्म देखेंगे तो आपको फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा, फाइट है, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांटिक सॉन्ग्स है, डांसिंग नंबर्स है, तो प्लीज़ गो वॉच द फिल्म, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देख के। इस फिल्म में मैं एक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोलना चाहूँगी, भले वो लड़की अपने भाई के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करती है लेकिन वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहन नहीं है, कोई भी बहन अपने भाई से इतना ही प्यार करेगी, तो वैसी ही प्यारी बहन का कैरेक्टर मैंने प्ले किया और मेरे भाई का कैरेक्टर सुशील भैया ने प्ले किया, सुशील सिंह जी। मेरी तो कैसी, मतलब ऑब्वियसली बेस्ट रही है, उनसे बेहतर केमिस्ट्री अगर किसी और के साथ हो पाती तो और किसी के साथ काम करते, तो उनके साथ हमेशा से अच्छी केमिस्ट्री रही है, बहुत कंफर्ट लेवल है, वो बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, तो कंफर्टेबल जब लड़कियां रहती है तो उनकी केमिस्ट्री अच्छी दिखती है स्क्रीन पे। सबका अपना अपना नज़रिया है, हमको
नहीं ये इफ़ इट गोज़ विद द लाइन इफ़ इट गोज़ विद द स्टोरी तो ही हम ऐसा करते हैं एंड सबका अपना अपना नज़रिया है. नॉर्मल पोस्टर है, किसी को बोल्ड लगता है, किसी को नॉर्मल लगता है. थैंक यू. निकाल लो. Gracias.